हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम राम पचनानी की अपकमिंग मूवी स्कंदा द अटैकर का हॉनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं, जो कि फिल्म का ट्रेलर कल ही रिलीज हो चुका है और वो भी 5 लैंग्वेजों में ट्रेलर अवेलेबल हो चुका है। और सभी को बता दूं कि ट्रेलर सभी लैंग्वेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब फिल्म को रिलीज़ होने के लिए सिर्फ 15 से 17 दिन रह चुके हैं, जिसमें स्कंदा का थिएटिकल ट्रेलर और दो गाने भी आने वाले हैं। अगर स्कंदा हिंदी ट्रेलर का रिव्यू दूँ तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था कि स्कंदा में एक्शन सीक्वेंस स्लो होने वाला है, लेकिन राम पचनानी हमारे फेवरेट एक्टर है इसलिए इसको स्किप कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात बता दूँ तो इस फिल्म में मुझे स्कंदा की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लगी, जो कि दिल को छू जाने वाली है, जिसमें भरपूर एक्शन, रोमांटिक, सांस्कृतिक और सेंसिटिव इमोशनली भी है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर करने वाली नहीं, और फैमिली ड्रामा होने वाले जिसमें आपका इमोशन कनेक्ट रहने वाला है, जिसमें राम पचनानी के पंच और डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। थमंग का म्यूजिक भी आउटस्टैंडिंग लगा, श्रीलीला का परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिला। फिल्म में पूरी तरह से इमोशन भरपूर है। राम के साथ साई मंजरकर भी देखने को मिल रही है और काफ़ी और विलन भी देखने को मिले, जो कि ह्यूज कास्टिंग देखने को मिलने वाली है। अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फिल्म में एक वन मैन आर्मी होने वाला है, जो कि परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले हैं। अब आप सबको पता ही होगा कि बोयापति श्रीनु की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनके एक्शन सीन थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी में जो दम होता है, जो काफ़ी बिल्कुल इमोशन और फैमिली ड्रामा होती है, जो आपको कनेक्ट रहने में बिल्कुल भी बोर नहीं करता। स्कंदा के लिए हिंदी बिल्ड में काफ़ी बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि इसके 7 दिन पहले जवान रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि जवान एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और उसमें शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो राम पचनानी के बराबर काफ़ी बड़ा होने वाला है, और हिंदी बिल्ड में जो स्टारडम है वो शाहरुख खान को बहुत बड़ा मिलने वाला है, और इसी के लिए स्कंदा को काफ़ी कम स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि बहुत बुरी बात है।